अगर मान लीजिए पूरे देश में सरकार कैटलिक एजेंट हो, सरकार उद्दीपक का काम करे, सरकार बाउंड्री तय करे, ये सब करे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, लेकिन पूरा इनिशिएटिव हर डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार के एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र, ये सब मिल करके यूनिवर्सिटी के जो चुनाव जीत करके आए हुए लीडर्स हैं, ये सब मिल करके ये लगातार डिस्ट्रिक्ट में साल में तीन तीन चार चार विषयों पर बड़ी व्यापक डिबेट करें और एक माहौल बने। यानी ये डिबेट है ना, फिर बड़े बड़े स्टेडियम में करनी पड़े डिबेट, 25-25, 50 हज़ार लोग सुनने आ जाए और देखें हमारे बच्चे क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ये हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लेकिन आप कहेंगे करेंगे कौन? और इसलिए क्या हम इसको उस दिशा में ले जा सकते हैं क्या, ताकि ये व्यवस्था ज्यादा विकसित हो, उसका लाभ मिले। दूसरा, वक्तृत्व ये सिर्फ शब्दों का श्रृंगार नहीं होता है, वाणी का आरोह अवरोह नहीं होता है, हमारे मुंह से निकला हुआ शब्द सही जगह पर तीर की तरह जाना चाहिए। हमारी वाणी इंप्रेसिव हो या ना हो, इंस्पायरिंग जरूर होनी चाहिए। महात्मा गांधी से शायद बड़ा कम्युनिकेटर पिछली शताब्दी में तो मुश्किल है मिलना। वो कोई वक्तृत्व शैली के धनी नहीं थे और नहीं कि उनके पहनावों में कोई इंप्रेशन करने का कोई प्रयास था, नहीं उनके शरीर की रचना में भी कुछ ऐसी चीज थी। आप कल्पना कर सकते हैं, ना ऑरेटरी है, ना उस प्रकार का प्रभावशाली व्यक्तित्व है, लेकिन वो कौन सी तपस्या होगी कि उनका एक शब्द, और उस जमाने में व्हाट्सएप नहीं था, दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाता था। ये जो कम्युनिकेशन है, ऑरेटरी दैट वन थिंग, कम्युनिकेशन इज अ डिफरेंट थिंग। उस कम्युनिकेशन स्किल को हम कैसे डेवलप करें, और अगर हमारे देश में, गांव में, शहर में, कस्बों में अगर ऐसी युवा पीढ़ी तैयार होती है जो समाज के मुद्दों पर सही तरीके से सोच करके समाज को अपनी बात बताते हैं, तो समाज का मन बनाने में बहुत बड़ा रोल कर सकते हैं जी। और इसलिए ये अपने आप में ये प्रयोग ग्रासरूट लेवल पर एक सशक्त संरचना खड़ी करने की दिशा में हमारा नम्र प्रयास है।